चंद्रयान 3 मिशन ने दुनिया भर में भारत का बजा दिया डंका। भारतीय समय के अनुसार शाम लगभग 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतर चुका है। भारत विश्व का चौथा देश बन गया है सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चंद्रमा पर उतरेगा और चंद्रमा के सुदूर दक्षिणी और अंधकार वाले क्षेत्र में पहुंचने वाले भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। इसलिए भारत और इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं प्रत्येक भारतवासी यही दुआ कर रहा है कि आज यह मिशन हर हाल में सफल हो जाए और भारत का डंका पूरे विश्व में बजे। सभी जानते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 के कुछ समय बाद शुरू किया गया लूना 25 मिशन जो रूस के द्वारा शुरू किया गया था वह तकनीकी खामियों के चलते असफल हो चुका है। भारत का भी पिछला चंद्रयान 2 मिशन असफल हो चुका है, इसलिए इस बार हर भारतवासी यही शुभकामना कर रहा है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो और सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रमा की सतह पर भारत का परचम लहराए। ज्योतिष के अनुसार देखें तो स्पष्ट रूप से एक बात कही जा सकती है कि चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर उतरने में कुछ परेशानियां आने वाली हैं और यह मिशन अत्यंत जटिल और कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरने वाला है। विशेष रूप से लैंडिंग से पूर्व यह बहुत से ज्यादा परेशानियां होगी, लेकिन सूर्य और बुध का जो बुद्धित योग है वह भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी सूझबूझ कर्मठता और कार्य कुशलता की बदौलत इस कठिन समय में भी एक चुनौती के रूप में इस स्थिति को संभाले हुए चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारने में सफल हो सकते हैं। वैसे भी प्रत्येक भारतवासी यही चाहता है। तो अब देखते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के अलावा वो कौन से ग्रह हैं जो चंद्रयान 3 को लैंड होने में अहम भूमिका निभाएंगी। शाम को 6:04 पर ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा केतु के साथ और बृहस्पति राहु के साथ विराजमान होकर एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। शनि अपनी राशि में मजबूत होंगे और अष्टम भाव से बुध और सूर्य विराजमान होंगे तथा मंगल यमराज चतुर्थेश और एकादश होकर नवम भाव से विराजमान होंगे और वहां से द्वादश भाव से पूर्ण दृष्टि डालेंगे। ग्रहों की यह स्थिति कुछ जटिल तकनीकी समस्याओं की ओर इशारा अवश्य जरूर कर रही है, लेकिन समस्याओं से निकलने में भी ग्रहों की संपूर्ण भूमिका दिखाई जा रही है। नवम भाव से मंगल और सप्तम भाव से शुक्र, बुध और सूर्य की बुद्धित्व योग के कारण भारत इस कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता है। हम सब ये आशा करते हैं कि शीघ्र ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरेगा। तो गाइज आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।